व्हाट्स अप गाइस, मेरा नाम है फैज, आप देख रहे हैं टेक्नो पर्सन। आज की इस धमाकेदार वीडियो में अपन बात करेंगे, अनबॉक्सिंग करेंगे और इसका ऑनेस्ट रिव्यू देखेंगे एसस वीवो बुक 15 का, जो कि X509JA मॉडल नंबर है। आइए फटाफट इसकी सबसे पहले अनबॉक्सिंग करते हैं, उसके बाद एकदम ऑनेस्ट रिव्यू देखेंगे आपके लायक है कि नहीं। देखते हैं, सबसे पहले इसको हम काटते हैं। ये हमने टेप काटा, इसका काटने का कुछ मज़ा ही अलग होता है। जब हम फर्स्ट टाइम अनबॉक्सिंग करते हैं काफ़ी सेटिस्फाइंग लगता है। अनबॉक्स कर दिया, उसके बाद डब्बा खोलेंगे। खोलने के बाद ये है हमारे सामने हमारा मॉडल लैपटॉप, सामने रखा है एसस वीवो बुक 15, जो कि डिस्प्ले वगैरह स्पेसिफिकेशन हम अभी देख लेंगे। सबसे पहले अपने अनबॉक्सिंग पर ध्यान देते हैं, साइड में रखते हैं लैपटॉप, आप देख लेते हैं थोड़ा क्या है। ये सब आप देख सकते हैं, कुछ यूज़र मैनुअल वगैरह पढ़ने की बात है, आप इसके साइड में रखते हैं। जैसे फटाफट से साइड में रखते हैं, बराबर जो एक्साइटमेंट होती है अनबॉक्सिंग के टाइम पर। साइड में आपको चार्जर मिल जाएगा और चार्जर आप देख सकते हैं कुछ ऐसा स्क्वायर शेप का इसका चार्जर है, जो कि एकदम मतलब मस्त फिनिशिंग देता है, बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छी देता है। बस और कुछ नहीं है इसमें, आप देख सकते हैं इनपुट मिलेगा आपको इसका चार्जर का, और बस और कुछ नहीं है। नेक्स्ट अब हम अपना मेन लैपटॉप खोलेंगे। खोलते बराबर सिल्वर कलर का लैपटॉप आपके सामने है, जो कि इसका बेस्ट कलर है। आप देख सकते हैं अमेजिंग कलर है, क्या शाइन मार रहा है, मैट फिनिश देता है आपको। अंदर इसकी पॉलिथिन हटाते हैं, बराबर आप देख सकते हैं आपके सामने जो बैकलेट कीबोर्ड इसमें नहीं दिया गया है, मैं पहले ही बता दूँ इसमें चिकलेट कीबोर्ड दिया गया है आपके सामने। बंद कराए बराबर, ऐसा नॉर्मल है, ऐसा कुछ नहीं है, सब कुछ बेस्ट है। आप देख सकते हैं कीज़ इस बार थोड़ा मतलब मुझे जहाँ तक बहुत बेस्ट लगी है, क्योंकि कीज़ जो है आप देख सकते हैं आउटपुट अच्छा है की का, थोड़ी उठी हुई कीज़ है, आपको प्रेस करने में और आपके लिए टाइपिंग स्पीड में थोड़ा सा बूस्ट अप लाएगी, ऐसी कीज़ है आपकी। तो कीबोर्ड की तो टेंशन ही मत लेना, बस बैकलेट कीबोर्ड नहीं दिया तो कोई दिक्कत नहीं है यार, किसी में ना किसी में चीज़ में कम होता ही है। अब बात करेंगे ऑनेस्ट रिव्यू, अनबॉक्सिंग हमारी हो चुकी है, ऑनेस्ट रिव्यू देखेंगे कि आपके लायक है कि नहीं। अगर आप एक स्टूडेंट है, मुझे नहीं पता आप क्या है, लेकिन अगर आप स्टूडेंट हैं, ठीक है, अगर आप प्रोग्रामर हैं या फिर अगर आप गेमर हैं, तो मैं सबसे पहले प्रेफर यही करता हूं कि गेमर के लिए होना चाहिए, बिकॉज जो गेम में आउटपुट लगता है वो हर चीज़ के लिए चल जाता है। मतलब गेम में हर चीज़ हाई चलती है, आपको पता होगा। पहले स्पेक्स जान लेते हैं इसके। कोर i5 का इंटेल प्रोसेसर आपको मिलेगा 10th जनरेशन के साथ में, ठीक है। इसमें AMD Ryzen का प्रोसेसर नहीं मिलेगा आपको, Intel Core i5 का 10th जनरेशन का प्रोसेसर मिलेगा। साथ ही साथ FHD की 15.6 की फुल HD डिस्प्ले आपको मिलेगी, ठीक है, ये चीज़ हो गई। और नेक्स्ट चीज़ की अगर बात करें तो आपको चिकलेट कीबोर्ड आएगा, साथ में आपका आउटपुट वगैरह देखें तो Asus का ब्रांडिंग ऊपर दी है जस्ट, जो कि बहुत शाइनी है, अच्छा लगता है देखने में। टच पैड मुझे थोड़ा सा अनोइंग लगा, बाकी बेस्ट है, ऐसा नहीं है, लेकिन थोड़ा मतलब अगर आप बटन थोड़ा राइट क्लिक और लेफ़्ट क्लिक में थोड़ा मतलब उठा हुआ देते, ये भी तो काफ़ी बेस्ट होता, बट एनीवेज छोटी मोटी चीज़ होती रहती है, और बेस्ट है हर चीज़। और आपके स्पेसिफिकेशन की बात करें तो प्रोसेसर आपको 10th जनरेशन का मिलेगा। ग्राफिक्स की बात करें तो इंटीग्रेटेड ग्राफिक मिलेगी। स्टोरेज की बात करें तो 1 TB की हार्ड डिस्क ड्राइव मिलेगी आपको और 512 GB की SSD स्टोरेज मिलेगी। बूट टाइम टेस्टिंग पे आते हैं हम, 30 सेकेंड का टाइमर लगाए, आप देख सकते हैं बूस्टिंग टाइम कब तक होता है, ये देखते हैं। चालू कर लिया हमने इसको, चालू कर लिया है, अब ये बूटिंग हो रहा है। बूट होने के बाद देखते हैं कितना फास्ट बूट अप करता है ये। कॉन्ग्रेचुलेशंस, ओपन हो चुका है, 15 सेकंड के अंदर आपका बूट अप हो चुका है, ठीक है। मैंने ये वॉलपेपर आपको दूसरा मिलेगा, मैंने ये आपको पहले ही बताया, मैं अपनी टेस्टिंग वगैरह कर चुका हूँ आपको दिखाने के लिए। हर चीज़ ओवरऑल बेस्ट होनी चाहिए ना, सब चीज़ कॉन्फ़िगरेशन हो गया विंडोज़ वगैरह का। ब्राइटनेस ऊपर ज़्यादा कर सकते हैं आप, और हर चीज़ स्मूथ, अभी हर चीज़ का टेस्ट करेंगे। वेबकैम भी आपको थोड़ा बहुत मस्त मिलेगा, लेकिन मेरी मानिए अगर आप कैमरे के लिए ले रहे हैं तो बिल्कुल मत लीजिएगा। कैमरा इसका बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, 720 क्वालिटी में आप समझ सकते हैं कितना अच्छा होगा। बट एनीवेज मल्टीटास्किंग टेस्ट लेंगे इसका, सबसे पहले सारे टैब्स खोलेंगे, फटाफट एप्लीकेशन फटाफट प्रोग्राम खोलते चले जाएंगे, जो भी है एलेक्सा और नेक्सम के आप खोलते हैं, अलग अलग एप्लीकेशन खोलेंगे ताकि आपको देखने को लगे कि हाँ ये मल्टीटास्कर है, आप इसमें एक साथ कई टैब खोलकर काम कर सकते हैं, जो कि आपको अनलिशली 8 GB रैम मिलेगी, काफ़ी बेस्ट है। अब मैं बताता हूँ आपको चलाते चलाते कि सबसे पहली बात ये प्रोग्रामर के लिए, प्रोग्रामर के लिए देखिए कोर i5 प्रोसेसर जो है आपको बेस्ट पड़ेगा मेरे अकॉर्डिंगली, क्योंकि प्रोग्रामर में बहुत ज़्यादा हाई चाहिए नहीं रहता और बहुत ज़्यादा लो भी नहीं चाहिए रहता है। तो मेरे आउटपुट के हिसाब से जहाँ तक मेरी आप एडवाइस लें तो आपको बेस्ट पड़ेगा कोर i5 जनरेशन। ये लैपटॉप आपको बेस्ट पड़ेगा प्रोग्रामर के तौर पर, ठीक है, स्टूडेंट के तौर पर तो बेस्ट ही बेस्ट है। और
अगर आपको गेमिंग करना है तो आप बहुत ज़्यादा हाई आउटपुट वाली गेमिंग नहीं कर सकते। गेमिंग करेंगे नॉर्मल गेमिंग कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल मैं गेम भी बताऊंगा कौन कौन से गेम रन हो सकते हैं, क्योंकि इंटीग्रेटेड ग्राफिक आपको मिली है इंटेल की, एनवीडिया ग्राफिक्स नहीं है इसमें, तभी आप हाई ग्राफिक्स नहीं ले सकते। चैनल को सब्सक्राइब करिए सबसे पहले, लाइक करिए, वीडियो को अच्छी लग रही है तो सब्सक्राइब कर सकते हैं ऐसी मज़ेदार टेक्नोलॉजी वीडियोज़ देखने के लिए, बेल नोटिफिकेशन ऑल कर लीजिएगा। गेमर के लिए मैं बता दूं, अगर आप नॉर्मल गेमर हो जैसे फोर्टनाइट और काउंटर स्ट्राइक गो और GTA 5 वगैरह गेम आपको खेलना है तो आप आराम से खेल सकते हो। बट आपको हाई एंड गेम खेलना हो तो आपके लिए पीसी नहीं बना है, आप और ले सकते हो। क्योंकि नॉर्मल आपको काउंटर स्ट्राइक वगैरह खेलना है तो आप नॉर्मल ग्राफिक के साथ खेल सकते हो, 60 FPS से 90 FPS की स्पीड से आपको मिल जाएगा, पबजी वगैरह भी अगर खेलना है तो ओके। और बहुत ज़्यादा हाई एंड गेमर हो तो आपके लिए नहीं है, आप और ज़्यादा रैम का या फिर कोर का प्रोसेसर ले सकते हो, उसके साथ खेल सकते हो। चलो एनीवेज, वीडियो अच्छी लगी तो बताना। मेरी मानो अगर आप लैपटॉप लेने की सोच रहे हो ये वाला, तो फटाफट से ले लो। अगर आप मैंने जैसे ही स्पेसिफिकेशन आपको बताया अगर आपको अच्छा लग रहा है तो फटाफट से बाय करो, सोचो बिल्कुल भी मत, ठीक है। वीडियो कैसी लगी वो आपके ऊपर है, लेना है या नहीं लेना। मेरी मानो तो ले लो, क्योंकि मैंने भी ले लिया है। वीडियो लाइक कर सकते हो, चैनल सब्सक्राइब कर लेना, कमेंट में ज़रूर बताना वीडियो कैसी लगी, या फिर कोई भी वीडियो के रिलेटेड आपको बताना हो, पूछना हो, कुछ भी पूछ सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब कर लो ऐसी मज़ेदार टेक्नोलॉजी वीडियोस देखने के लिए, बेल नोटिफिकेशन ऑल कर लेना। मिलता हूँ ऐसे ही मज़ेदार अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।